ओम श्री साईनाथाय नमः। तो आइए हम चलते चलते सातवें संकल्प पर पहुंच गए। थोड़ी देरी हो गई इस बार चलने में, लेकिन पहुंच रहे हैं। तो आइए आज अपने आप से कुछ कहते हैं, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, कोई हमसे प्यार नहीं करता। एक बात बताओ, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या कोई हमारे लिए कितने दिन रुकेगा? एक दिन रुकेगा, दो दिन रुकेगा, रोज़ रोज़ कोई नहीं रुकेगा, ठीक है? इसलिए जितनी परवाह हम खुद की करेंगे, उतनी कोई हमारी नहीं करता, माँ बाप को छोड़कर। अगर हमें चोट लगती है तो खून हमें निकलता है, तो दर्द भी हमें होता है, वो दर्द कोई नहीं बांटता। बस लोग दुख जाया करते हैं कि हाँ दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन वो दर्द सिर्फ हमें सहना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने अंदर कुछ सुधार लेकर के आए। सुधार ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे से हैं। सबसे पहली बात कि अगर हमें कुछ गलत लगता हो, कभी भी कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, तो उस काम को वहीं पर छोड़ दो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उस इंसान को वहीं पर छोड़ दो। जो बोलना चाहते हो खुल कर बोलो, डरो नहीं, कभी किसी से मत डरो, ठीक है? किसी को खुश करने के लिए अपना सब कुछ ना गवा दो, ठीक है? अपने ऊपर ध्यान दो, आपको क्या करना है, आपकी लाइफ आगे क्या जहाँ कहाँ जा रही है ये देखना है। कभी भी अपने बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, खुद के करियर के बारे में कभी भी एक भी वर्ड आपको बुरा नहीं कहना है, एक भी वर्ड आपको खराब नहीं कहना है। क्योंकि अगर अच्छे काम में भी हमने छोटी सी भी टोक लगा दी ना, तो वो लग जाती है। कभी बुरा मत कहो। अपने सपनों को पीछे रखना नहीं, आगे रखना सोचो, अपने लिए सोचो, गलत चीज़ के लिए नहीं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो उसको बोलने से कभी मत डरो। गलत है तो गलत है, और जो सही है उसके लिए सही बोलना सीखो। दयालु बनो, जो सही है वो करो। उस चीज़ को भूल जाओ जो आपको भूल चुकी है, उस चीज़ को भूल जाओ जिसे आप बदल नहीं सकते, क्योंकि वो वैसी रहेगी। जो लोग ड्रामा करते हैं, जो लोग नेगेटिव रहते हैं ना, उन लोगों से 10 कदम दूर हो जाओ, 100 कदम दूर हो जाओ। अच्छे लोगों से जुड़ो, उनके से जुड़ने का प्रयास करो। जो आपकी मदद करे आप उसकी मदद करो, जो आपको भूल जाए आप भी उसको भूल जाइए, ठीक है? सबकी मदद कीजिए, लेकिन जो भूल जाए उसको भूल जाओ। बदलाव लाओ अपने अंदर। अपने आप से प्यार करोगे तो साईं आपके अंदर ही है, वो भी खुश होगा कि मेरा बच्चा खुद को खुश रख रहा है। इससे ये नहीं होगा कि हम स्वार्थी हो जाएंगे, इससे ये होगा कि हम किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो अपनाइए ये कुछ नियम और बताइएगा मुझे क्या चेंजेस आते हैं और कैसा लगा आपको ये संकल्प। ओम साई राम, जय साई राम। साई शुभरात्रि। आने वाला दिन, आने वाली ज़िंदगी शुभ हो, मंगलमय हो। साई शुभरात्रि। ओम साई राम।